नमाज रोजा बुग्ज में बचा न पाओगे। हजार साजिशें तू करके देख ले मुल्ला, जो हक नबी ने कहा है मिटा न पाओगे। जब तक काम सारी जिंदगी हर वक्त जो आदम की शरीयत से बड़ा है, शरीयत से बड़ा है, हर वक्त जो आदम की शरीयत से बड़ा है, उस बाप का बेटा है तो क्यों फोंक रहा है। लिखा है जिसके टुकड़ों पे जमाने में तेरा पलना, लिखा है जिसके टुकड़ों पे जमाने में तेरा पलना, लिखा है जिसके टुकड़ों पे जमाने में तेरा पलना। यहाँ भी उससे भी जब तक जो भी आख्या बिस्मिल्लाह करके तो बोलूंगा। जब हमें को मेरा खून का सदका भी हुआ इन्ना लम्हा भी नहीं सोचे लानत कर देना। जुमला एक हदीस याद आ गई है जनाबे रिवायत करने वाला कोई आम रावी नहीं, कोई साहबी नहीं, खुद अमीर मोमिनीन अपने साहबी ने फरमाया या अबू मंजरा फइन्ना अशका अशकी आयतुन मैं युसद्दिकुना फिल ज़ाहिर वै युकज़्ज़िबुना फिल बातिन। बस मैं इसका अंदाजा बड़ा बदबख्त ओ नहीं जो चोर डाकू शराबी जाने, बल्कि वो शिया है जो जबान नाल साडी तस्दीक करे दिल च साडे ते शक करे। परेशान ना होना, मैं 5 साल मदरसे पढ़िया, बनना मौलवी सी पर मेरे को किसी का हक नहीं खाता जाता। ओ हलाली सजा मरे हकदार जिंद दिल विच इतनी सख्ती है नमाज का हुक्म है कि एक हाथ ताली तो हुए बाकी बंदा क्यों चलमता हुआ। अजान है हुक्म है नमाज पढ़ता, इतनी सख्ती के हुक्म के बावजूद कजा कर दिया। जब बंदे चुप कर जाओ तो अपने ईमान की गल मार के तुम्हें अली नहीं खाना, बंदा वो बोले जिन्हें अली नहीं खाना, मौलवी अली ने बोले
इतनी सख्ती के बावजूद कजा कर दिए, अल्लाह ने कजा बनाई जिक्र हुसैन वास्ते। नमाज कजा कर हकीम देखने नखा आया उस आखिया जी दुध पिलाओ घर दुध नहीं बच्चे दुध ले गए व्हाट्सएप स्टेटस लोगों ने चलाया मेहनत कर जाकर सौखा पढ़ लेने अपने वालों पढ़ लेने बंदे मेंबर तो नहीं बंदा ही नहीं है लेकिन साइड से जाकर कम से कम समझाओ तो भाई नहीं पढ़ सकता तो कम से कम तो ही ना कर अली के घर के बदखन पता क्या जल्दी में जरूर लगनी तो धीरे सुनी हाय हाय अमीर मोमेंट चुके उस दे हाल में जी से मैसेज ज्यादा शेर में से एक शेर पढ़ के दुआ करो अमीर मोमेंट उस धीरे घर आया जी अली के सामने अली पढ़ने लगे शर्मा दिया बादशाह तो जानू होकर जमीन बैठे मालिक चुराब चुराब बैठे ने यजीन से वतीहुल्ला ने बाबे की चिर ज़ियारत की थी कभी ना बोलने वाली है क्योंकि सामने आके हाथ जोड़ के बैगे बोले नहीं अपने ईमान असल थोड़ी अखों वजू कर गई मैं अभी गल नहीं की जिस धीद अपनी उनके सामने जमीन पर बैठ जाए उस दीदी कड़ी हालत होगी बाबे नाल बोलने लगी शर्मंदी चुप करके सामने बह के हाथ जोड़ने अमीर मोमिन बादशाह दी वाली जुमला देने चल गया कोई ऐसा घर नहीं जिथे मौत ना आई भजन कोई ऐसा घर नहीं जिथे मौत ना आई थोड़ा आंसू नहीं कसम दस्तूर जमाना है जनाजे टुट जाते हैं पर्दा दार रुक जाते हैं जिरे हाय नहीं कह सके मैं नहीं आखिर तुम कि गुनाह में माफी मांगो कंड करके बैठे हो हाय तुम बह गए तो वड्डा सांस एक करी सिर्फ देर ना सोच के दसो थोड़े जो किसी कोई ऐसा जनाजा वेखिया जिसे पिछों की धी या भैन बगैर दुपट्टे दे जनाजा पिछे बढ़ गया जनाजे टूट जाते ने पर्दादार रुक जाते भाऊ जी माफ करना हुसैन बादशाह ने करबला च दस्तूर बदलता है जनाजे पे रहे ने पर्दादार टूट जाते मेरी बहन ने मंगन का वल नहीं आता तेरे मेरे नाल बेहतर तरबियत करदी उस तो छका नहीं मैं उसे ओही 18 रमजान अली दाई चली गई हुजरे चले जमीन पे बैठे तो बीबी ने दोनों हाथ जोड़े बेटियां से जाकर अली फरमा रहे अब तो ज़ैनब कलाम कर मुझसे एक करी लगा मोहन से लगना बेटी भी जान रही है प्यू भी जान रही है अब तो ज़ैनब कलाम कर मुझसे आज जाने लौट जाना अब तो जिन्हें कूफे गए हो जिन्हें इराक गए हो जवारियत गए हो मालिक तनु हर साल रख जाए जिन्हें नहीं गए ना मैं उन आस्तु दुआ मांग रहे मालिक एक बारी तनु वो घर नसीब करे जिथे अली ने धीरे धीरे सामने बैठ के जुमला कहा अब तो ज़ैनब आज बाबा लौट जाना
हसरत रब तेरी जमानत में, मेरा मकसद खुदा बचाना। पहली बारी अमीर मोमिनीन जी के सामने ना रोए ते आंसू गड़ दे जाए ना जी, ते धीने बाबे दा चेहरा वेख्या ते कंबदे कंबदे हथां नाल पिओ दे अखां चों आंसू साफ सुथरे। सबके इश्कों को पहुंचने वाली तेरे आंसू कोई न पहुंचेगा, तेरे आंसू कोई न पहुंचेगा। मेरे बेटे बचाएंगे, तूने ज़ैनब ने बचाना। अब जी फिर झोल से नौकरी तो ले ली, वो बंद पढ़ना चाह रहे जब मेरे मामू जन शहीद रुकन ने आखिरी बारी करी नाइजात दी। जे हिम्मत जज़ीर पवागी पे अधर दी दी गए दहली दी उने सारे आए शिमर को चुप करके देती है। बाबा जी को सर करें पे तो सुना जदी जहां का